अस्सलाम वालेकुम जनाब, यूट्यूब की दुनिया के दोस्तों कैसे हैं? उम्मीद है खैर से होंगे, ठीक ठाक होंगे, अच्छे होंगे। मैं आपका साथ अबरार हसन था, हमारा यूट्यूब चैनल खान अबरार खान देख रहे हैं। जनाब अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो लेट्स सी, वीडियो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या करना है और क्या कुछ नहीं करना, तो आपको दिखाते हैं साथ साथ। अच्छा यार, अभी गाड़ी स्टार्ट करने लगे, आप देहातों में ट्रैक्टर बहुत ज़्यादा ज़रूरत देते हैं। अभी आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, ये हमारा ट्रैक्टर है 260, सारा दिन यार काम देता है। साल में कोई 4 महीने फरी खड़े होते हैं, बाकी 8 महीने चलते ही चलते हैं। सावन में सावनियाँ, बाजरे काश्त करने, फिर गंदम काश्त करनी नवंबर दिसंबर में, फिर इस तरह हम इस पर चारा लोड करके ले जाते हैं। आप देख सकते हैं ये चारा भी हम इसी पर लोड करके ले जाते हैं जानवरों का। यार दूर है घर से उठाना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए इसी पर ले जाते हैं। ट्रैक्टर आपको चेक कराता हूँ, ये ट्रैक्टर है गुड कंडीशन, गुड सब कुछ बेस्ट चल रहा है। ये टायर हैं फुल तकरीबन हैं, 13 आने हैं, रेम शेम सब कुछ बड़ा। ये धूल मिट्टी लगी हुई है इसलिए कुछ साफ शायद आपको ना नज़र आ रहा, वैसे तो बेस्ट है। तो अभी चारा लोड किया है, कुछ काटना है, फिर इंशाल्लाह चलेंगे घर, तो वहीं जाके मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़। जनाब दोस्तों, आप देख सकते हैं कणक किस तरह बर्बाद हो चुकी है, सारी गिर गई है। ये आलाबारी मतलब वही है, और साथ तूफान भी था, तो ये सारी जो खड़ी थी बड़ी शानदार फसल वो सारी गिर गई है और ख़त्म हो गई है। ये आप देख सकते हैं गंदम उधर खड़ी है, इधर सारी इतने तक सारी गिर गई है, उतने तक सारी गिर गई है। इधर मैं आपको अपने वाली भी दिखाता हूँ, ये आप चेक कर सकते हैं, ये भी सारी गिर गई है, ये नहीं रही। चलो अल्लाह पाक हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाए। फसल साल की मेहनत होती है यार, साल बंदा मेहनत करता है, इस पर खर्चे करता है, फिर इस तरह हो जाए। ये आप देख सकते हैं एक साफ बन चुकी है मुकम्मल तौर पर, हमारे हक में दुआएं करें तो अल्लाह पाक इंशाल्लाह बेहतर करे। तो आपने कंदम की कंडीशन देखी किस तरह गिरी हुई है, अल्लाह पाक माफ़ करे। एक तेज़ हवा चली, साथ बारिश भी थी, जालाबारी थी, लेकिन बहुत काम थी, हमारे इलाके में काम आई है, हमारे साथ वाले इलाकों में बहुत ज़्यादा आई है। अल्लाह पाक माफ़ करे किस तरह गिर गई है। जो सिट्टे गिर जाते हैं उनमें मतलब जो गंदम होती है वो कम होती है, बहुत उसका वज़न कम होता है। तो हमारी यही दुआएं कि अल्लाह मियां माफ़ करे हमारे गुनाहों को और हमारी फसलों को बचाए, क्योंकि अब तो मतलब कि कहते हैं पहुंच चुकी हैं, तो इसलिए लोगों की गुनाह है। जो इस तरह बेमौसम बारिश आ रही है, सर्दियों में बारिश की ज़रूरत थी लेकिन नहीं आई, अब आ रही हैं। बाकी सब अल्लाह पाक बेहतर जानता है कि कितनी इसमें खैरियत है बारिशों में। तो अल्लाह हाफिज़, बाय बाय हो गया, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है।